नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई आई फील इज द मोस्ट टॉलरेंट सिटी एंड वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। नो एक्चुअली बिफोर आल्सो कैनी कॉन्सर्ट में एक चीज का इश्यूज हुए। अच्छा, मेरे ख्याल से शुभ शुभ बोलते हैं, राइट। मुंबई फेस्ट एक ऐसा फेस्टिवल होगा जहाँ पे कोई हादसे नहीं होंगे, ईश्वर की और अल्लाह की कृपा रहेगी मुझे मालूम है इस फेस्टिवल के ऊपर। और जस्ट टू मेक इट सेफर, आई थिंक सो दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो प्रमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट, एज आर ट्रस्टी वेरी नाइसली सेड इट, हरजीत सिंह जी हु सेड इट, दैट वी आर प्रमोटिंग वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। यू नो देर आर मेनी सोशल कॉजेज दैट आर जॉइंट विद इट, एंड वुमेन एम्पावरमेंट इज वन ऑफ देम। सो देयर इज गोइंग टू बी स्पेशल फीचर्स, स्पेशल सिक्योरिटीज हु गोइंग टू बी प्रेजेंट देयर। वी आर लुकिंग एट अराउंड व्हाट 200, कैप्टन अविनाश, We are looking at 200 in numbers in terms of also security for everybody at the fest. So the Mumbai Fest ki aapne jo crowd suna Bandra crowd, to aapne Bandra ke liye chuna us place ki place. Well, BKC is one major ground which we have you know, and has a lot of class in it, you know, and MMRDA grounds pe Make in India bhi hua tha, right? So I somehow feel that it is one place, and Bandra is, how do you call it? Actually mere paas ek bahut achhi saying hai, people normally say हम लोग सोबो हैं, we are from सोबो, साउथ मुंबई, साउथ बॉम्बे, राइट। मैं बोलता हूँ आई एम फ्रॉम मकाबो, मलाड कांदीली बोरीली, राइट। या सो देयर साउथ मुंबई विच इज सोबो, एंड देन यू हैव मकाबो विच इज मलाड कांदीली बोरीली। तो मैंने बोला इसके बीच में एक जगह ढूंढते हैं, वो बांद्रा है। मेरे ख्याल से बांद्रा इज आइकॉनिक बिकॉज ऑल द बॉलीवुड सेलेब्स आल्सो लिविंग देयर, इजंट इट। इसलिए बीकेसी and MMRDA grounds space was available, 3 lakh square feet, you know. I would like to now give the mic to Captain Avinash and he can answer some questions for you. Yes, I think so, that's a major concern that people have been having, besides the women's security, you know, which is I feel not an issue in Mumbai, right? But for the fire safety we have taken special permissions, right, and we've gone to another length in terms of keeping safety for fire regulations. Is fest mein kaun kaun celebrity participate karenge, aayenge concert mein? Concert mein to bahut sare celebrities aa rahe hain. In fact, the list is very long. Aap log website pe ja sakte hain www.mumbaifest.com aur aapko pata lagega ki kitne celebs iske sath jude hue hain. Bollywood industry se, music industry se, jaise Harjeet Singh ne bola, right? Yahan pe Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan, संगीत नाटक अकेडमी अवार्डीज ये भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसको वी आर कीपिंग इट अलाइव बाय द मुंबई फेस्ट। और ये जो प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है फॉर यंगस्टर्स, वहाँ पे एक म्यूजिक एंड डांस आइलैंड है जिसको हम लोग मैड आइलैंड बोल रहे हैं, जहाँ पे हर तरह का डांस होगा, क्योंकि मुंबई में सिर्फ क्लासिकली नहीं होता है, हिप हॉप भी होता है, कंटेम्प्रेरी भी होता है। तो सारे डांसर्स, बैंड्स हैं, सो मेनी बैंड्स, रॉक बैंड, जैज बैंड, देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी देयर। तो आप आइए फेस्ट पे, बच्चों के लिए खास करके हम लोगों ने रखा हुआ है, बच्चों के लिए वी हैव एक्चुअली हाउ मेनी स्क्वायर कैप्टन साहब? ह्यूज एरिया, हां वी हैव अ ह्यूज एरिया, किड्स एरिया, हां द किड्स एरिया। एज सर इज सेइंग बिकॉज़ सर लव्स किड्स, यू नो ही इज अ ग्रैंडफादर, इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए वहां पे। सो देयर आर मेनी गेम्स, देयर आर रोबोट्स, स्पेशल रोबोट्स दैट यू गोना कम एंड सी, गोना इंटरैक्ट विद यू। एनी अदर क्वेश्चंस? I think so. The next question will be taken by Captain Avinash. प्रशासन की तरफ से 10 बजे के बाद कोई भी शो होना या साउंड होना अलाउड नहीं है, क्या ये 10 बजे से पहले हो या 10 बजे के बाद ही होगा? So इसका एक बहुत ही प्रिसाइज आंसर है मेरे पास, वो 10 बजे नहीं है, इसको बोलते हैं 9:55। You know, we stick to the concept of safety is something which is very important, and 9:55 PM is the precise time where your music will check out. तो 10 की जगह मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूँगा आप सबको और बोलूँगा 9:55। एंट्री फीस कुछ है? हाँ, इसके हमारा एक जनरल एंट्री फीस है, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट है और हमारा पर्पस था कि हम इसको सच में चैरिटी के एंगल से इसको हम कवर करें। और जनरल ग्राउंड में एंटर होने के लिए सिर्फ 160 रुपीज़, विच इज़ द लोएस्ट फीस एवर। एक्चुअली इफ यू गो टू एनी ऑफ द फेस्टिवल्स इट्स नॉर्मली प्रीटी हाई, बट 160 रुपीज़ इज़ अ एंट्री फी। एंड देन उसके बाद हमारे जो लाइव कॉन्सर्ट्स हैं उसके अलग अलग फीस हैं, VIP सेक्शंस, गाला सेक्शंस, यू नो, स्टैंडिंग क्राउड, एंड ऑल दीज डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट्स विच कैन बी टेकन केयर देयर। 3 दिन के लिए फीस या एक दिन? हाँ जी, 3 दिन की फीस है, 1 दिन की फीस आपकी? 1 दिन की फीस है 160 रुपये।
और 3 दिन के लिए आप आइए और उस हिसाब से इंजॉय कर सकते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ है आपके। जो पार्टिसिपेंट रहेगी उनकी एज लिमिट क्या रहेगी, क्या होगी जो एज लिमिट क्या होगी जो पार्टिसिपेट करेंगे? सो जैसा हमने बोला, हमने हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ इसमें हमने केटर किया है, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, यूथ के लिए और हमारे आपके जैसे लोगों के लिए, सब के लिए कुछ ना कुछ है वहाँ पे जिसमें हर कोई कुछ ना कुछ इन्जॉय कर सकता है। अभी मुंबई में पिछली बार एक हादसा हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मृत हुए और कुछ लोग इंजर हुए, तो एक बड़ा फेस्ट होने जा रहा है, इतने बड़ा ग्राउंड है, तो मैम ने तो पहले ही पूछी इस बात को आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन विद यू, क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी है कि किस तरीके से इन हादसों से बचा जा सकता है, या कोई ऐसा हो या ना हो तो किस तरीके से आपने इंतजाम कर रखे? जो भी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, फायर की, सिक्योरिटी की, सारे एनओसीज दिए गए हैं और हर चीज़ का टेक केयर किया गया है। जैसे मैंने बताया CSR एक्टिविटी है इसमें मेडिकल कैंप्स हैं, जो कि कोई फेस्ट में वहाँ पे 8 एम्बुलेंस खड़े होंगे ब्रह्मा कुमारी के। तो हादसा तो बात की बात है, किसी को सुई भी लगेगी तो उधर इंतज़ाम है, हादसा बहुत बड़ी बात होगी। हमने तो वहाँ पे प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। एक्चुअली क्या है कि सर, एक कहावत है कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है, छाछ तो अभी हाथ से हुए जा रहे हैं, 2000 में छाछ को भी छाना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आज की डेट में कोई भी बीमारी या कोई भी हादसा है वो प्रचार से, एडुकेशन से, एडुकेट करने से चीज नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी कुछ एडुकेट कर रहे हैं, जैसे डायबिटीज कैंप है। आज डायबिटीज जो है वो इंडिया में ऐसे फैल रही है जैसे मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम एडुकेट कर रहे हैं लोगों को, युवा को। ज़रूरी नहीं है कि 40 के बाद 50 के बाद डायबिटीज होगी, छोटे छोटे बच्चों को है। तो इसमें हम लोग CSR एक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त है कि बहुत सारे मतलब चीज़ों पे हम लोग प्रचार करने वाले हैं। NGOs और कोई छोटे मोटे NGOs नहीं है, ये NGO सब काफ़ी बड़े और बहुत रिस्पॉन्सिबल NGOs हैं। सो एज़ फार एज मेडिकल और हादसे की जो बात है, इससे काफ़ी कुछ ज़्यादा हमने वहाँ पे इसका टेक केयर किया है। जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। हमने जैसे आप इसमें देखेंगे कि एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट रखा था लोगों के लिए, आम जनता के लिए, कि वो अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं इसमें, और इतना अच्छा रिस्पांस आया है कि आप उन सबको वहाँ पे एक्चुअली में परफॉर्म करते हुए देखेंगे। मैं तो यही बोलूँगा जैसा कि बोला कि ये मदर ऑफ ऑल फेस्ट है और इस मैग्नीट्यूड का, इस स्केल का फेस्टिवल इंडिया में कभी नहीं हुआ है। तो मैं किसी फेस्टिवल से कंपेयर नहीं करना चाहूँगा इसको, बट यही बोलना चाहूँगा कि ऐसा एक्सपीरियंस हिंदुस्तान पहली बार देखने वाला है। इसका विनर कैसे डिसाइड होगा, या कोई जज रहेगा या वोटिंग के थ्रू होगा? देर इज़ नो कॉम्पिटिशन, ये सबके लिए है और हर कोई इसको इंजॉय करने आ सकता है। Calendar event that Mumbai is going to look forward for. And there's lots of things happening as we've been talking about the Guinness Book of World Records. I think this is just going to take to another level. So if anyone has any questions, they can ask. Film, crime, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।